बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अल्ताफ हुसैन, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10.4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस ओ ए 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स डायमीटर। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रेडियस क्या है। रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये रेडियस है। और अब हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है, इसके लिए हमें दो ज्योमेट्रिकल ऑपरेटर्स चाहिए, ज्योमेट्रिक बॉक्स से। सबसे पहले हमने देखना है कि हमें रेडियस क्या दिया हुआ। रेडियस 5 सेंटीमीटर, आपने ये सेंटर जो है ना वो रखना है जीरो पर, और आपने पॉइंट लेके जाना है ये वाली साइड 5 पर। जब 5 पर पहुंचेंगे, 5 पर जब 5 पर लेके जाना है, ये 5 है और 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। ये जीरो या जीरो पे रखेंगे और आगे 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस। अब ये रेडियस आपने 5 सेंटीमीटर का लेके आपने यहां रखना है और एक सेंटर का, एक सर्कल का। ये 5 सेंटीमीटर का यानी 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ, ये रेडियस, ये सेंटर, ये वो पॉइंट है सर्कल का, ये सर्कल का पॉइंट, ये सेंटर, और ये क्या है बेटा, रेडियस। ये यहां से कहां पे रखा, सेंटर पे रखा और ये ड्रॉ हो गया सर। अब अगला जो उसने पूछा है, जो हमसे इसका डायमीटर भी मालूम है, डायमीटर आप जानते हो, दो रेडियस 2 × 2 × r, 2 ये आ गया, रेडियस गिवन था 10 सेंटीमीटर, इस सर्कल का क्या आ गया डायमीटर। क्वेश्चन नंबर टू में कहते हैं, इन द गिवन फिगर लोकेट मेजर एंड माइनर आर्क्स। अब इसका जो मैं काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमने इसकी मदद से क्या ड्रॉ करना है, कोई रेडियस उसने गिवन नहीं दिया, आप अपनी मर्जी से क्या करें, एप्रोप्रिएट रेडियस में और सर्कल ड्रॉ करें। जब सर्कल ड्रॉ हो गया, जो उसने गिवन बताया है, आपने ये पी लगा लेना है, ये ए है, ये बी है, इट इज गिवन इन द बुक। अब मेजर आर क्या है, आर किसे कहते हैं, ये लेंथ ऑफ द सर्कल, यहां से ये पार्ट ऑफ द सर्कल, आर किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द आर। अब ये सर्कमफेरेंस, ये सारा सर्कमफेरेंस, इसका एक हिस्सा मेजर, मेजर ये है कि ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, और माइनर क्या है, यहां से बी तक। माइनर मेजर ए से ए पी बी, ए पी बी, ये जो बड़ी बड़ी आर्क है इसे हम क्या कहते हैं, ये मेजर आर्क है। और ये जो सिर्फ ये आर्क है, ये माइनर है, छोटी आर्क है, सर्कमफेरेंस का छोटा हिस्सा है ए, यहां से मेजर और यहां से माइनर। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कह रहा है कि हाउ मेनी डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल कैन बी drawn and draw the circle and trace at least 5 different diameters। सबसे पहले कहना है कि हमें यह बताए कि एक सर्कल के अंदर कितने डायमीटर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो बच्चों, इंफिनिट नंबर्स ऑफ द डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन एन सर्कल, लातादाद किस्म के, लातादाद नंबर किन किन डायमीटर के ड्रॉ कर सकते हैं, इंफिनिट डायमीटर कैन बी
drawn in an circle, in an circle. अब वो हमें ये भी कह रहा है कि आप सर्कल को ड्रॉ करें और सिर्फ पांच हमें बता दें ड्रॉ करके डायमीटर्स. पहले तो हमसे पूछे कि कितने टोटल कितने हो सकते हैं, तो भाई इन्फिनिट नंबर हो सकते हैं. अब पूछ रहा है कि आप इन्फिनिट ना करें, पांच करें, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो डायमीटर क्या होता है बेटा? ये एक सर्कल है, एक सर्कल मैं यहां से ले सकता हूं, ये कॉर्ड होता है, इसे कहते हैं कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन ऐसा कॉर्ड, अच्छा कॉर्ड क्या है, सी ओ आर डी कॉर्ड, कॉर्ड लाइन सेगमेंट विच जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसे कॉर्ड कहते हैं. अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से गुजरे उन्हें हम क्या कहते हैं, डायमीटर. अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर. अब ये भी कॉर्ड था, ये भी कॉर्ड था, लेकिन ये कॉर्ड कहां से नहीं गुजर रहे, सर्कल के सेंटर से नहीं गुजर रहे, लेकिन जब यही कॉर्ड सेंटर से गुजरेगा तो हम इसे क्या कहते हैं, डायमीटर. अब ये डायमीटर, अब वो कहते हैं पांच डायमीटर ट्रेस करें, तो पहला तो हमने ये डायमीटर ट्रेस कर लिया ए बी, इसका नाम ए बी, दूसरा हमने किया बी सी, इसी तरह आप ई डी, इसी तरह एफ एफ एच, और इसी तरह आई जे, ये सारे जो सेंटर से गुजर रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, डायमीटर. तो हमने पांच डायमीटर उसको ड्रॉ करके दिखा दिए. उम्मीद है आपकी समझ में ये लेक्चर आ गया. Thank you.